afternoon. Sit down. Thank you, ma'am. Okay. आज कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग का? हिंदी. चलो निकालो हिंदी निकालो. मैम मेरा हिंदी कॉपी उधर है. कहाँ पे? चलो इसमें क्या लिखना है आपको? लिख लिया. स्पेलिंग पूरा याद हो गया? और से अनार का नहीं वो याद. और से आज तक लिखो. हाँ अभी ठीक है. आज सैटरडे है इसलिए आज बच्चे भी बहुत कम आए हैं. नहीं देखो मैं मेरा जीवन चुका. हाँ लो लिखो. ये तुम्हारा लिखा. तुम्हारा आज क्या है? मैं मेरे जीवन चुका. ये लो. धुरंज का. धुरंज स्पेलिंग सक क्या बोलता है? स्पेलिंग सक गया. अब लिखेगा ठीक है. मेरा मैम कतर करके आएगा. ओके यही करो यही करो. एंट्री बॉक्स में डालो फिर बाद में डस्टबिन में डालो. नीचे में डालो. इसमें 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 खिल के रखो फिर बाद में डस्टबिन में डालो. लिखो तुम भी लिखो. चलो लिखो. तुम्हारा दिखाओ आज क्या है? हिंदी ना. हिंदी का आंसर कल वाला याद किया? कल का याद किया? कर लिया ना. चलो दिखा. ये था ना. चलो हाँ आ जाना. चलो क्वेश्चन वो करना निकलता. हम क्वेश्चन बोले ऐसे बोलो. जमीन क्यों गंदी हो गई थी? जोर से बोलना. हाँ जमीन हाँ इसलिए गंदी हो गई थी. हाँ क्योंकि हाँ हाँ कूड़े क्योंकि लोग उसमें कूड़े फेंकते थे. क्योंकि लोग उसमें कूड़े फेंकते थे. हाँ जमीन क्यों गंदी हो गई थी? फिर से बोलो. जमीन क्यों गंदी हो गई थी? जमीन इसीलिए गंदी हो गई थी क्योंकि लोग उसमें कूड़ा फेंकते थे. हाँ ओके ठीक है. इसको याद करो फिर इसको भी याद करो. मीरा जमीन क्यों साफ करना चाहता था? क्योंकि मीरा को गंदगी पसंद नहीं थी. उस जमीन पर फूलों के पौधे लगे हुए थे. ये दोनों का आंसर याद करके जल्दी आओ फटाफट. क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ेगा आंसर भी याद करेगा ठीक है. चलो तुम्हारा क्या था? तुम क्या पढ़ रही है? अच्छा पढ़ने आता है इसको. हाँ पढ़ के सुनाओ. एक पर खराब के पढ़ो पढ़ के सुनाओ. मैम ये सब लिखने दिया था. हाँ हाँ ये सब लिखने दिया था. कौन सब? हाँ हाँ लिखो लिखो जल्दी जल्दी. जोर जोर से बोलो. गुड वेरी गुड. चलो याद करके जल्दी लिखो. तुम्हारा तुम्हारा क्या है? ई ऐसे तो ये पेपर दिए ऐसे मुझसे बोला है ठीक है. पेपर लेने से लेके आएगा ठीक है. चलो इसको क्या करना है? रीडिंग करने के लिए बोला है. इसको इसको नहीं है ना. फसलों फसलों यहाँ से होगा. फसलों के त्योहार ठीक है. फसलों के त्योहार में क्या आंसर लिखा है इसका? आई ओ आर ओ
कौन सा? ओ आ कौन सा दिखा? मीरा। मीरा को गंदगी पसंद नहीं थी। ई ओ आ ख देखिए गाइस, आज बच्चे भी बहुत कम आए हैं हमारे। आज सैटरडे है इसीलिए आज 5 बच्चे आए हैं, उसी को मैं पढ़ा रही हूँ। आज ये लोग का हिंदी है, हिंदी में पढ़ा रही हूँ। दिखाया है क्या आपके गांव में फसलों से संबंधित कोई त्योहार मनाया जाता है? अगर है तो उस त्योहार के बारे में 5 वाक्य लिखिए। फसलों के त्योहार में हम दिन में हम घर में हम लोग रंगोली बनवाते हैं, फिर सारे घर में रंगोली से सजाते हैं। ये कौन मैम लिखा है? कौन लिखा है? हो गया मैम। ये सब इतना गलती किस लिए हो गया मैम? इतना गलती ये किस लिए? चेक हुआ है हिंदी का कॉपी? सिर्फ लोन को बात कर लिख रहे बस, बाकी तो कुछ भी नहीं लिखा। क्यों ये कौन सा पार्ट है? पढ़ो और लिखो। कुछ ऐसे नहीं लिखा है। तुम क्या स्कूल रोज नहीं जाते क्या? फिर ये केसों का फनकार बोल किया है? ये कौन था फनकार? ये क्या था केसों का? क्या लाया था? खिलौने वाला, तरह तरह के सुंदर सुंदर खिलौने। ये या तो जल्दी खिलौने वाला लिखा। खिलौने वाला क्या लाया था? खिलौने वाला कई तरह के सुंदर 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 के स्पेलिंग गलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो सुंदर के स्पेलिंग कैसे किताब में। सुंदर का स्पेलिंग देखो। ये देखो सुंदर सुंदर। तुम क्या सुंदर 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 लिखा है? खिलौने वाला कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। ठीक है, याद करो इसको, याद करो तो खिलौने वाला। कौन सा? मैं किस करके? हाँ मीरा। मीरा मीरा को गंदगी पसंद नहीं थी। हाँ हो गया। देखिए वेरी गुड। हाँ स्पेलिंग लिखो। ठीक है स्पेलिंग याद है? हाँ थोड़ा भी याद नहीं है? थोड़ा तो याद होगा। हाँ कहाँ तक याद है? तुम लिखो अपना, इधर उधर मत देखो ना। पढ़ाई में दिमाग। हाँ इतना ही बस। जल्दी जल्दी करो, लिखो अपना स्पेलिंग। तुम क्या कर रहे हैं? जोर जोर से मुख से बोल के पढ़ो। कार वाला आंसर अभी तक याद नहीं है? जल्दी करो। तुम एक एक करके पहले हमको दिखाओ। खिलौने वाला क्या लाया है? लाया में थौ नहीं होगा, यह होगा। ठीक है, यह को अच्छे से लिखो। ये अच्छे से लिखो, यह जैसे दिख रहा है। और से क्या होता है? और से क्या होता है बताओ? अनार होता है ना? ओ नौ में आ की मात्रा रो अनार लिखो। कौन सा? क्योंकि मीरा को गंदगी पसंद नहीं थी। पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्योंकि मीरा को गंदगी पसंद नहीं थी। मैम याद करेगा? हाँ याद नहीं है उसको ना। ये जो हिंदी बहुत कमजोरी, उसको आता ही नहीं।